भाई दार्जिलिंग से अभी थोड़ा पहले हूँ मैं, और ये देखो रोड के साथ साथ में बिल्कुल रेलवे ट्रैक जा रहा है, और ये खड़ी अपनी कैमरामैन। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मतलब कैंपिंग के लिए पूछा मैंने थोड़ा यहाँ से लोकल लोगों से, क्योंकि अभी तक मुझे रोड के साथ में तो कुछ नहीं मिला। जब हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक लोकेशन पड़ती है भाई बहुत ही अच्छी, जिसका नाम है चिमनी। तो एक ऑफबीट प्लेस है वो, तो ऐसा कुछ रास्ता हमें मिलने वाला है, वो आप गूगल करोगे तो चिमनी आ जाएगा उसमें। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और एक ऑफबीट प्लेस है और काफ़ी अच्छा है, मतलब कैंपिंग के लिए बता रहे हैं कि बहुत ही पीसफुल है। तो इस तरह का कुछ हमें मतलब रोड मिलने वाला है। मैं पोहा बना के खाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें डाला पोहा और इसको डिप करके छोड़ते, ज़्यादा नहीं बनाने वाला क्योंकि लंच में कुछ और बना के खाऊंगा मैं। अभी बस थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको भी छोटे छोटे बच्चों को कराटे यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा जी ये देख के ना, क्योंकि उधर इतना कल्चर नहीं है कराटे वगैरह का। दूसरी गेम्स वगैरह चलो खेलते हैं, कराटे वगैरह का कोई है नहीं है, मतलब मैंने कभी नहीं सुना भी कोई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मतलब कराटे और सिखा रहे हैं। कौन कौन सी मतलब भाषा बच्चों को यहाँ पे, मतलब इंग्लिश होगा? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे ब्लॉग देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम है हरविंदर, और मैं अपनी इस कैंपर वैन पर ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूँ, और पूरे ट्रिप में मैं अपनी वैन में ही रहता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में मैं रुका हुआ था, और सिलीगुड़ी से अभी मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग की तरफ। और भाई यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। अभी मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना यहाँ का सही व्यू, और टोटल ग्रीनरी है भाई, टोटल ग्रीनरी, बहुत ही सही वाला व्यू है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप कर लेना। और ये देखो भाई, कुछ ऐसा रोड है और कुछ ऐसा व्यू होने वाला है, ये देखो आप, कुछ ऐसा नजारा हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आई थिंक जो जितने भी सिलीगुड़ी में रुकते हैं और दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं, वो सुबह सुबह मैं निकला हुआ हूँ, तो इस तरह की टाटा सुमो वगैरह सब मुझे यही रास्ते में देखने को मिली, और इस पे बैठ के आई थिंक ये दार्जिलिंग घूमने के लिए जा तो इवनिंग में वापस आ जाएंगे या ऐसा कुछ होता होगा, मुझे पूरा क्लियर नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगा। और दोनों साइड आप देख रहे हो ये हैं चाय के बाग, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों साइड चाय के बाग लगे हुए हैं, चाय का बाग बोल सकते हैं या जो भी है फार्मिंग चाय की वो की हुई है। और ग्रीनरी देखो कितनी है, बस अभी आगे जाके पहाड़ शुरू हो जाएंगे प्रॉपर, तो वहाँ पे अपने को मिलेगी ठंड, तो उसके बाद मैं आराम से वहाँ पे कैंपिंग करूँगा। अभी तो कार कैंपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले मैं कैंपिंग नहीं कर पाया दो तीन दिन में, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। सिलीगुड़ी में भी मैं गुरुघर में रुका हुआ था, तो ये देखो भाई सामने होटल वगैरह तो मैं लेता ही नहीं हूँ, वो तो जैसे मैंने पहले बता ही रखा है। ये सामने एक छोटा सा टोल है, और भाई से पूछते हैं कि भाई कितने पैसे लोगे। 20 भाई, वो भाई 20 बोल रहा था पीछे, भाई ने ले ली 30 रुपीज हमसे। अब कितना टाइम लगेगा भाई दार्जिलिंग का? अच्छा जाम भी लगता है, बहुत जाम लगता है, अभी तो जाम का ही। अच्छा अभी पूरा रश है, ठीक है भाई। लो भाई, भाई बोल रहे हैं कि भाई आगे जाम भी लगेगा, कहते हैं पूरा जाम लगता है, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा आगे कैसे रहेगा, क्योंकि काफी मैं सुबह सुबह निकला हूँ तो काफी रश है भाई सुबह सुबह भी। तो ये देखो कुछ ऐसा नजारा हमें रस्ते में देखने को मिलेगा, तो अगर रास्ते में मुझे कुछ अच्छा दिखा ना रुकने के लिए तो मुझे ये नहीं है कि प्रॉपर मुझे पहुंचना ही है, अगर कैंपिंग का रास्ते में सही दिख गया तो मैं रास्ते में भी रुक सकता हूँ। भाई दार्जिलिंग से अभी थोड़ा पहले हूँ मैं, और ये देखो रोड के साथ साथ में बिल्कुल रेलवे ट्रैक जा रहा है, और ये खड़ी अपनी कैमरामैन। अभी क्या है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मतलब कैंपिंग के लिए पूछा मैंने थोड़ा यहाँ से लोकल लोगों से, क्योंकि अभी तक मुझे रोड के साथ में तो कुछ नहीं मिला। तो एक आगे विलेज बता रहे हैं कुछ 4-5 किलोमीटर पे, उसका नाम भूल गया मैं, और वहाँ पे जाके देखता हूँ मैं कि कैंपिंग के लिए कुछ सही सी जगह मिल जाए। तो
बस ये दार्जिलिंग के आसपास में ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन रहना है, तो अच्छे से जो विलेज हैं यहाँ के गांव हैं वो भी मैं देखता हुआ जाऊँगा और सब कुछ घूमते हुए चलेंगे। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, पंजाब से मैं चला था बिहार कवर करके, तो यूपी में से कवर होते हुए अभी हूँ मैं वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद में जाएंगे सिक्किम, सिक्किम और उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। जब हम सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक लोकेशन पड़ती है भाई बहुत ही अच्छी, जिसका नाम है चिमनी। तो एक ऑफबीट प्लेस है वो, तो ऐसा कुछ रास्ता हमें मिलने वाला है, वो आप गूगल करोगे तो चिमनी आ जाएगा उसमें, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और एक ऑफबीट प्लेस है और काफ़ी अच्छा है, मतलब कैंपिंग के लिए बता रहे हैं कि बहुत ही पीसफुल है। तो इस तरह का कुछ हमें मतलब रोड मिलने वाला है, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है भाई। और जो मार्केट और वगैरह ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट दार्जिलिंग वगैरह मार्केट वगैरह वो सब कुछ घूम सकते हैं। तो आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस अभी दिखाने वाला हूँ, वो ऑफबीट प्लेसेस बहुत सारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो आप जुड़े रहना और मैक्सिमम व्लॉग को शेयर कर दिया करो जितना भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें आपको हर कोई नहीं दिखाएगा, ये मैं लोकल लोगों से मिलके उनसे बात करके फिर पता करता हूँ, है ना, ये जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो व्लॉग को। तो पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी लोकेशन हमें मिलेगी और कैंपिंग के लिए कैसा रहेगा और कैसा गांव है वो, ये सब कुछ आपको मैं पहुंच के दिखाता हूँ। और रास्ता बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर रास्ता है, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल स्लो स्लो मैं आराम से जा रहा हूँ भाई। काफी ना रिमोट लोकेशन है ये, मतलब बिल्कुल सुनसान है, मैं काफी टाइम से चल रहा हूँ तो, और सिर्फ दो तीन गाड़ियां मिली हैं मुझे और एक दो स्कूटी वाले, और कुछ नहीं मिला मुझे पूरा। और देखो भाई कैसा रास्ता जा रहा है चिमनी के लिए, पूरे जंगल के बीच बीच में जा रहे हैं और जाके देखते हैं। मुझे स्पेशली ऐसी चीजें अच्छी लगती है ना, अगर हम घूमने निकलते हैं तो ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और सिटी वगैरह का तो क्या ही देखना है ना, शहर का तो क्या देखना है, वो तो चलो अगर प्लेन पे सीधा जहाज पे चढ़ के आएंगे तो सिटी घूम के तो कोई भी चला जाएगा। तो आपको मैं अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया रिमोट लोकेशन। आजकल चल क्या रहा है कि लोग भीड़ से बहुत परेशान है, ये बात सही है, लोग चाहते हैं थोड़ा पीसफुली रहना, जो कि फॉरेनर लोग पहले से कर रहे हैं कि वो थोड़ा पीसफुली रहना चाहते हैं ना। तो डर भाई कुछ नहीं होता, डर बहुत सारों के मैसेज आते हैं भाई आपको डर नहीं लगता, डरना क्यों है भाई, ऐसे कुछ नहीं होता। जिस दिन कुछ होना है ना, तो चाहे आप घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठे बैठे ही अटैक हो जाता है, अगर आपको कुछ नहीं होना ना तो कुछ नहीं होने वाला, बस आप थोड़ा अपनी सेफ साइड जरूर रखनी है। एक तो होता है थोड़ी बहादुरी और एक होती है बेवकूफ़ी, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, और उसको थोड़ा समझ के, अगर आप थोड़ा बहादुरी वाला काम भी कर रहे हो ना तो उसको सोच समझ के करो, है ना। ये नहीं है कि अगर जैसे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो मैं नहीं बताऊँगा कि मैं बहादुर हूँ या नहीं हूँ, जो भी है, लाइक अभी जो जिस गाड़ी पे मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसके रख रखाव की बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ ना, चाहे वो टायर से लेके, इंजन से लेके, इसकी मतलब सर्विस वगैरह से लेके, एक एक चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि अगर ये चल रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को सबसे मेन है कि मेरे को गाड़ी बिल्कुल सही और ओके रिपोर्ट चाहिए। इसी तरह से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका चाहे टूर टू व्हीलर है, चाहे वो आपका फोर व्हीलर है, उस पर आपको जितना खुद पे विश्वास है ना, उस फोर व्हीलर पे टू व्हीलर पे आपको उतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये रास्ते में चीज़ें मेरा धोखा नहीं देने वाली, इस चीज़ का आपने सबसे पहले इस चीज़ का ही ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। चलो खाने पीने का मिल जाता है, चलो रहने का, आप जैसे मुझे काफ़ी लोकल लोगों से बात करनी पड़ती है किसी ना किसी से, है ना, फिर वो मुझे सजेस्ट करते हैं भी उस जगह पे चले जाओ, उस जगह पे चले जाओ। एक ही विलेज में कम से कम मैं 15-15 लोगों से मिलता हूँ, है ना, फिर उनसे मैं कंफर्म करता हूँ कि कौन सा रोड जाऊँ, कौन सी जगह पे मैं जाऊँ जो अच्छी हो, फिर जिस जगह के बारे में ज़्यादा लोग बोलते हैं उस जगह पे मैं पहुँच जाता हूँ। और उस ऐसी लोकेशंस हैं जो गूगल भी कम बताता है ना कैंपिंग के लिए, या कई होती है कि नई लोकेशंस बनी होती हैं ना, होम स्टे आजकल बहुत चल रहे हैं ना, लोग होम स्टे में रहना पसंद भी कर रहे हैं और वो अच्छा भी होता है भाई, इस नेचर के बीच में देखो, आप देखो कितना व्यू, देखो कितना अच्छा है।
और ऐसे नेचर में कहीं पे भी मैं पे रहूंगा तो वो आप खुद सोच सकते हो कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया फील होने वाला है। तो ये है जी चिमनी गांव। तो देखो जी वेदर तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कभी भी एकदम से धुंधा जाती है फिर या क्लीन हो जाता है। और लोकल लोगों ने मतलब काफी हेल्प की, और यहाँ पे एक स्कूल का ग्राउंड है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो लोकल लोगों के घर भाई, कितने सही मतलब घर बने हुए हैं, छोटे छोटे से, है ना। हम लोगों को ये अच्छे लगते हैं, शायद इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और ये देखो अभी ये जगह मिली है मुझे रुकने के लिए, जस्ट करा। और ये है सामने, आप मेरी राइट साइड देख रहे हो, ये है स्कूल। स्कूल है एक, और स्कूल के बिल्कुल ये है ग्राउंड। इस ग्राउंड में अभी मैं लगा के बैठने वाला हूँ और यहीं पे ही करने वाला हूँ कैंपिंग। तो करते हैं भाई यहाँ पे कैंपिंग, ग्राउंड में लगा के बढ़िया से कहीं पे। ये देखो भाई काफी अच्छा ग्राउंड मिला भाई। तो काफ़ी सही व्यू है भाई चिमनी का, और कैंपिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह मुझे मिल चुकी है भाई। और लोग वेस्ट बंगाल के भी काफ़ी अच्छे हैं, और भाई ने बहुत हेल्प करी, और उन्होंने स्पेशल बताया कि आप यहाँ पे रुक सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक स्कूल का ग्राउंड है, और पहाड़ों में ऐसे ग्राउंड मिल जाए कैंपिंग के लिए तो और क्या ही चाहिए भाई। तो अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया, तो सबसे पहले इसका सेटअप वगैरह मैं खोल लूँ अच्छे से। अगर आपने पहले मेरे व्लॉग देखे हुए हैं फिर तो आपको पता होगा कि कैसे ये लगता है सब कुछ। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, कुछ नहीं पता चल रहा एकदम से। पहले तो पूरा मतलब यहाँ पे फोग थी, और अभी क्या है एकदम से देखो धूप आ गई। तो मेरे को ये है कि इसको लगा लिया जाए आराम से, लगा के फिर यहाँ पे बैठते हैं। तो अभी 2-3 दिन आराम से मैं यहीं पे ही स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल है भाई यहाँ का, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूँ आराम से यहीं पे ही 2-3 दिन यहीं पे लगाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पहाड़ों में बहुत कम मिलती है, और जल्दबाजी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बड़े आराम से एक्सप्लोर करेंगे और पूरा गांव मैं आपको दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा यहाँ पे ना होम स्टे वगैरह काफ़ी हैं, तो आपको मैं होम स्टे वगैरह दिखाऊंगा और क्या प्राइस वगैरह है मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि तो हर कोई कैंपर वैन लेके नहीं घूमता, और हर कोई क्या बोलते हैं कैंपिंग नहीं करता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो कैंपिंग वगैरह नहीं करते लेकिन वो घूमने के लिए जाते हैं। तो उनको मैं अच्छी अच्छी जगह उनके लिए भी दिखा दूंगा कि वो कहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये देखो भाई बहुत इजी है, 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको खोलने में। अभी चाहे धूप आ जाए या तेज़ हवा आ जाए या बारिश आ जाए, अपने को कोई इशू नहीं है, आराम से यहाँ पे बैठेंगे और लोकल लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि मुझे यहाँ पे 5G नहीं मिल रहा। हिंदी आता है आपको? हाँ हिंदी आता मेरे को, आपका लैंग्वेज नहीं आता। क्या पूछा आप? ये मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। ये आपका स्कूल है? हाँ वो सामने स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तुम नहीं पढ़ते यहाँ पे? कहाँ पढ़ते हो आप? हैं तावेरी, ठीक है। और यहाँ पे देखने के लिए क्या कुछ है, घूमने के लिए क्या कुछ है यहाँ पे? है चिमनी कहाँ पे? स्ट्रॉबेरी गार्डन है। और ये चिमनी गांव है? ये कौन सा गांव है? चिमनी है सारा। कौन सी क्लास में हो आप? 3 में। मैं पंजाब से। हाँ इधर रुक सकता हूँ, इधर रुक सकता हूँ ना? हाँ अकेले आया हूँ मैं, ना फ्रेंड नहीं आया साथ में यार, फ्रेंड बोलता है कि मैंने नहीं जाना। आप रुको इधर, हैं
आप बताओ कितने दिन बसूं? हाँ, 2-3 दिन, 2-3 दिन रह लूं इधर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप आ जाया करोगे बात बुत करने मेरे से यहाँ पे? अरे इधर मेरे को एक चीज़ बताओ, इधर 5G नेट नहीं चलता? 5G इंटरनेट, नहीं 4G चलता है? मेरा फोन उधर कैमरे पर लगा हुआ है। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैंने यहाँ से वो नीचे कौन सा है, दिल कौन सा है वो गांव, दिलबग, बॉक्स डोम्बोक, बॉक्स वो नीचे है जो किधर नीचे इधर से नीचे नीचे जाएगा रोड से, तो इधर ना हो इधर। ऊपर नीचे नीचे हाँ, स्ट्रॉबेरी गार्डन गांव कौन सा है नीचे जो बड़े वाला गांव है जिद? इधर नीचे अरे नहीं, उधर नीचे। इधर नीचे पारमेन और छोयमेल बांगोरा एक सिकोम दिलबुग, दिलबुग दुलबुग ऐसा है ना एक। मुंपू मैं पोहा बना के खाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें डाला पोहा और इसको डिप करके छोड़ दो, ज़्यादा नहीं बनाने वाला क्योंकि लंच में कुछ और बना के खाऊंगा मैं अभी, बस थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं। तो सब्जियाँ वगैरह भी मेरे पास अभी बहुत कम है, तो इधर देखेंगे सब्जी वगैरह मिलेंगी, क्या सीन रहेगा। तो एक बार पोहा को थोड़ा डिप करके छोड़ दूँ, जो लोग पहले से देखते हैं उन्हें ये लगता होगा कि सबसे ज़्यादा मैं पोहा ही बना के खाता हूँ। भाई जल्दी बन जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हुआ नहीं है और अभी भूख लग रही है बहुत ही ज़बरदस्त वाली, साथ में थोड़े पीनट खा लें। और इसको इधर रख दूँ मैं, और भाई माचिस, माचिस जैसे कि मैंने पहले भी बताया, वैसे तो अपन लाइटर रख सकते हैं बट माचिस है वो थोड़ी सी बेस्ट होती है क्योंकि लाइटर में गैस वगैरह होती है, उसका थोड़ा डर रहता है फटने वगैरह का, सो माचिस रखनी चाहिए। बाकी भाई अपनी अपनी राय है। देखो जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कौन सी जगह थी अपना, चिमनी, चिमनी चिमनी में हूँ मैं, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी से होगा 25 किलोमीटर, 25-30, सिलीगुड़ी से 25-30 किलोमीटर है, चिमनी विलेज है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, और भैया मिले हैं ना वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, देखो भी छोटे छोटे बच्चों को कराटे यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लगा जी ये देख के ना, क्योंकि उधर इतना कल्चर नहीं है कराटे वगैरह का, दूसरी गेम्स वगैरह चलो खेलते हैं, कराटे वगैरह का कोई है नहीं है, मतलब मैंने कभी नहीं सुना भी कोई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मतलब कराटे और सिखा रहे हैं। कौन कौन सी मतलब भाषा बच्चों को यहाँ पे, मतलब इंग्लिश होगा, पढ़ाते और नेपाली नेपाली हो गया, मतलब या बंगाली लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली लैंग्वेज नहीं है, बंगाली नहीं है, नहीं नेपाली है, नेपाली मतलब वो बंगाल। सिलगढ़ी से जब ऊपर आएगा ना हाँ वहाँ से, हमारा मांग भी तो वही है गोटलैंड, ठीक है इसको वही बताना है हम लोगों को भी, ठीक है। वैसे ही हम लोगों से आप बंगाली लोगों से हमारा कल्चर भी नहीं मिलता है, अच्छा आपको भी भी नहीं बंगाली मिलता लोगों से आपका, ये वैसे है बंगाल में लेकिन हाँ आपका मतलब सारा जो कल्चर है जैसा वो नेपाली का है, नेपाली का, ठीक है ठीक है हम लोग नेपाल से ना पहले, ठीक है। ये भूमि भी पहले नेपाल का ही था ये पहले नेपाल का हाँ, था, ठीक है। फिर ब्रिटिश लोगों ने नेपाल, और नेपाल का सिक्किम ये दार्जिलिंग सब नेपाल का ही था पहले, दार्जिलिंग और ये सब वो नेपाल का था, जितना मतलब पहाड़ी एरिया है हाँ ये पहाड़ी एरिया नेपाल का था, हाँ नेपाल का था, तो ब्रिटिश के टाइम में ये ब्रिटिश इधर के आया, टाइम में ये इंडिया में आ गया, ठीक है फिर हम लोग सिक्किम के अंदर में रहता था, ठीक है जी। फिर सिक्किम को सिक्किम का वो राजा ने गिफ्ट किया ठीक है उसको ब्रिटिश ठीक को है दार्जिलिंग, ठीक है। ब्रिटिश जाने समय हमको वो बंगाल में छोड़ के गया, चलो, आप कितने टाइम से शुरू से इधर ही रह रहे हो? हमारा दादा परदादा और वो दादा इधर चार ही, पुस्ता पांच पुस्ता चार है, पांच पुस्त हो गया आपका इधर ही है, चलो बढ़िया जी। देखो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस चीज़ का, मुझे भी नहीं पता था कि पहले ये नेपाल में था ना, और जैसे कि भैया ने बताया, और यही चीज़ें होती है एक्चुअली में, लोग घूमने फिरने आते हैं शहर में, घूम के चले जाते हैं, मैं गाँवों में जाता हूँ, मैं देखो शहर में सिलीगुड़ी में मैं रुका नहीं, बस रात रुका, मैं निकल आया वहाँ से, और दार्जिलिंग अभी मैं नहीं गया, और शहर में मैं नहीं जाऊँगा, शहर का बस थोड़ा लोगों को दिखा दूंगा, मैं गाँवों में घूमूंगा ऐसे ही, जैसे आप लोगों से मिले, ऐसे बातचीत करेंगे, कल्चर का पता चलता है। अब इस चीज़ का लोगों को पता, जैसे आपने एक स्कूल बताया यहाँ पे, जब वो कब का है वो, हाँ डेविल स्कूल, वो कब का है? डल स्कूल था वो ब्रिटिश हाँ लोगों ब्रिटिश का के था टाइम का है वो, ना, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में मतलब अच्छा भी लगता है, अभी लोगों को दिखाएंगे भी, हाँ भी ब्रिटिश स्कूल है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें ब्रिटिश है ना।
होता तो बहुत अच्छा होता इधर में। हाँ ये तो भी हम बोल रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया, ऐसे हो गया। मेरे को लगता है कि मैं अभी 15 अगस्त को मना रहे थे आज़ादी है, मेरे को तो थोड़ा टाइम अगर ना अंग्रेजों को दे देते हैं भी यार, ये हमारा भारत संभाल के देखो, वो भी बोलेंगे भी अब हमसे नहीं संभलता। दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन आया ना, हाँ, दिखाया आपने? हाँ वो टॉय ट्रेन आ रहा है दार्जिलिंग से साथ साथ में, उसके रोड के साथ साथ में आ रहा है, वो दिखाया मैंने। वो चलता है अभी? हाँ चलता है। तो वो जो रोड के साथ साथ आ रहा है चलता है तो दार्जिलिंग से? ट्रेन में नहीं चढ़ा। नहीं मैं अभी उसमें चढ़ा, दार्जिलिंग से आता है? और नहीं वो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाता है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाता है वो? कब चल? 1600 है भाड़ा। सोए 1600 1600 1600। अच्छा तब का चला हुआ है? हाँ दार्जिलिंग से, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने का 1200। अच्छा कितने बजे चलता है? अच्छा उसका भाड़ा 1600 1612 रुपये है? 1600 1600 रुपये है। कितने बजे चलता है वो दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी से? तो सुबह 7 बजे। अच्छा आता है वो? रास्ते में भी कहीं चढ़ सकते हैं उसमें से? रास्ते में चढ़ सकते हैं आप, वो क्रॉसिंग जाके क्रॉसिंग से तुम तक जाएंगे। हाँ उसका किराया कम होगा? तक जाएंगे। हाँ उसका किराया थोड़ा कम होगा। यहाँ भी एक थोड़ा कम होगा, वो स्लो स्लो चलता रहता है। भाई देखो व्यू का क्या नज़ारा है, एकदम से ये आ गया भाई फोग। ये मौसम ऐसे बदल जाता है एकदम से, अभी एकदम पहले। अब ये है ना, अब कुछ देर में काम लगता है, काम एकदम से। अभी पहले धूप था देखो, एकदम से ये हो गया, छाया हो गया एकदम से। क्या बात है, एकदम से वेदर चेंज हो जाता। ये है हनी शहद। ये शहद मैं पानी में डाल के पीऊंगा, दूध में डाल के पीऊंगा शहद को, मिल्क। यहाँ पे मुझे फ्रेश दूध मिलेगा सुबह सुबह मिलेगा? फ्रेश दूध तो कितना पड़ेगा तुम्हें? 50 रुपीज में? 15 में? इतना पड़ेगा, इतना इतना छोटा है ना, इतना ओके पॉकेट में, उधर भी पता है तो ठीक है, उधर दुकान में ठीक है। आप कितने हो जाएगा कल? तो वो 7 बजे उठेंगे सुबह? 7 बजे मिल जाएगा मुझे सुबह 7 बजे फ्रेश दूध लेके आऊंगा फिर मैं। तुम कितने बजे उठोगे? जब भी जागा या उठ जाएगा, 6 7 8 कुछ नहीं पता मेरा कितने बजे उठूंगा, मेरा का कुछ फिक्स नहीं होता मेरा उठने का। ये बन गया जी, पोहा बन चुका है। ये देखो ऐसे बनता है पोहा। तुम लोग तुम क्या बोलते इसको? चूड़ा। चूड़ा इसे खाई क्या हमें? देखो जी अभी बन चुका है मेरा पोहा, बन के हो चुका मेरा नहीं मतलब पोहा बन के रेडी हो चुका है, मैं पोहा खाने वाला हूँ। तो क्या कैसे लगा जी आज का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन दी और आज का आपको मैंने यहाँ का बताया तो आपको अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाऊँगा और अच्छे अच्छे विलेज का कल्चर दिखाऊँगा, और अभी ये विलेज काफ़ी दिखाना अभी पेंडिंग है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, कैसे रहते हैं और कैसे यहाँ के लोग रहते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी मुझे बता के गई कि यहाँ के यहाँ पर 160 घर हैं कि 116 अबाउट यहाँ पे घर हैं, जिसमें से 60 से 70 लोगों के घरों में से एक एक आदमी सब कुछ आर्मी में है। तो देखो भी 50 से 70% है पुलिस में भी है। तो देखो भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ के लोग जो हैं कि मतलब आर्मी में हैं, है ना, और कराटे वगैरह भी जैसे मैंने दिखाया कि वो सीखते हैं, तो बात करने में भी सब अच्छे हैं। जैसे बच्चा ये बात कर रहा है भाई अपना, तो तुम्हारा छोटा निकनेम क्या है? नीमा टासी रुम्बा। अरे छोटा बता, नीमा टासी रुम्बा नहीं, फुफु टासी। टासी टासी नाम है तुम्हारा निकनेम? अभी तुम मेरे बुला रहे थे ना, टासी है ना तुम्हारा नाम, ये है टासी। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप जुड़े रहना गिल ऑन व्हील्स के साथ। बाय बाय।